राधा कुंड में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि श्रद्धालु जब स्नान करने के लिए गए तो उनका सामान लेकर भाग गए। गोवर्धन गिरिराज नगरी में राधा कुंड में एक ऐसा कुंड है जहां देश विदेश से श्रद्धालु भक्त संतान प्राप्ति सुख शांति समृद्धि के लिए स्नान आचमन व दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन उनके साथ जब चोरी की घटना होती है तो निराश होकर लौटना पड़ता है। ऐसा ही मामला बुधवार को देखने को मिला। अलीपुर द्वार सिलीगुड़ी से करीब 10 लोग ब्रज भ्रमण पर मथुरा बुधवार सुबह 5 लोगों का जत्था परिवार सहित राधा रानी संगम कुंड पर पहुंचा, जहां उन्होंने राधा रानी कुंड में स्नान करने के लिए कपड़े उतारे और स्नान करने कुंड में डुबकी लगाने लगे। तभी चोरों ने नजर बचाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। अलीपुर द्वार सिलीगुड़ी से आए विराज राय पुत्र विजय राय, सत्येंद्र देवनाथ व सपना राय ने जब बैग को देखा तो बैग में रखे जरूरी सामान सहित 5,000 रुपए की नकदी चोरी हो गई। घटना की सूचना राधाकुंड चौकी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी खंगालने में जुटी, जिसमें 3 लोगों को चोरी करते देखा गया है और पुलिस जाँच में जुट गयी। घटना की जानकारी देते हुए विराज राय श्रद्धालु ने बताया, वहीं स्थानीय निवासी राजू बाबा ने बताया कि राधा रानी कुंड पर लगातार एक हफ्ते से चोरी हो रही है। अभी तक किसी चोरी की घटना का खुलासा नहीं हुआ। आए दिन श्रद्धालुओं के बैग, मोबाइल, नकदी, पर्स व जरूरी कागजात के साथ अन्य सामान चोरी हो जाते हैं। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। क्या घटना हुई है? मेरा नाम विराज राय है, मैं अलीपुर द्वार से आ रहा हूँ। बस मेरा यहाँ पर सामान गुम हुआ, जिसके अंदर पैसे थे 5,000 रुपए। तो मैं यहाँ पर सभी भक्तों सामानों को ये मतलब अरे क्या था बैग में, कितने रुपए थे, क्या था सामान? बैग तो चोरी नहीं हुआ, जो कपड़े है साया जिसे कहे थे, साया में एक जेब थे, जिस जेब के अंदर 5,000 रुपए थे, वो साया गुम हो गया, किसी ने उठा के लिया है। अच्छा, बैग में रखे थे वो? साया है, साया का अंदर एक जेब होता है, जिस जेब में पैसा रखा था, ठीक है, तो साया गुम हो गया है, जिस वजह से पैसा भी अर्थ में भी चला गया। यहाँ पर 5 आदमी आए थे नहाने के, राधा कुंड नहाने के लिए। तो जैसे ही हमने कपड़े चेंज किया, नए कपड़े पहने लगे, तो तब देखा कि सामान गुम हो गया। अभी आपने सीसीटीवी कैमरा दिखाया तो उसकी निगरानी में क्या स्थिति निकली, सब हो पाई है? यहाँ पर तो मुझे 3 आदमी को दिख रहा है, जो हमारा राजू बाबा, यहाँ पर डेली आपका यात्री लोग भक्त लोग आते हैं, यहाँ कपड़ा लग के स्नान करते हैं। वो लोगों की कैसे चोरी होती है, अक्का कभी मोबाइल उठ रहा है, कभी किसी का साया उठ रहा है, मगर किसी का मालूम ही नहीं पड़ रहा है अक्का ये कौन लेके जा रहा है। हम लोग आपस में यहाँ बदनाम होते हैं घाटवासी। कितने दिन से लगातार चोरी हो रही है? ये आज 5-6 दिन से बराबर चोरी हो रही है। जैसे क्या क्या सामान उठ रहा है? किसी का मोबाइल गया, किसी का बैग गया, किसी का साया उठ गया। अभी तक किसी का कोई मिल पाया है सामान? किसी का नहीं मिला, कोई पता नहीं चल पाया। नहीं, क्या लगता है कितने लोग हो सकते हैं चोरी के पीछे? और ये तो ठाकुर जी जानता है, अच्छा है, अगर सामने आए तो पकड़े तो फिर हम ही छोड़ेंगे ना सारे। आज भी एक चोरी हुई है। कहाँ के लोग हैं, क्या क्या चोरी हुई है? ये साया इसमें से उठाए, ये आसाम के रहने वाले हैं, यहाँ आपका यात्री है, 10 लोग घूमने के लिए आए थे, ये यहाँ आए, यहाँ स्नान कर रहे, माँ बेटा है, बेटा घबरा पे खड़ा हुआ था, माँ स्नान कर रही थी और आके देखा तो साया गोल था, वहाँ कुछ नहीं था। 3 व्यक्ति थे, वो व्यक्ति चले गए, उन लोगों को फिर